أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات سورہ مبارکہ غافر کی آیہ کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے. وقال ربکم اور کہا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم مجھے سب پکارو. جمع ہے، جمع کا حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے. مجھے سب پکارو. اللہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کو پکاریں. اللہ کو میرا پکارنا بھی اچھا لگتا ہے اور مصطفیٰ و مرتضیٰ کا پکارنا بھی اچھا لگتا ہے. وہ چاہتا ہے میرا نبی مجھے پکارے، وہ چاہتا ہے کہ میرا علی مجھے پکارے. اور نبی اور علی کا پکارنا کیا حسن ہے، پکارنے میں کیا حسن ہے، آواز دینے میں. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو وہ متکبر پسند نہیں کرتا، مگر خود وہ متکبر ہے. تو آخر وہ ہے کیوں متکبر؟ وہ متکبر کیوں ہے؟ وہ متکبر اس لیے ہے کہ اس نے نبی اور علی کو بنایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق ہے، حق ہے اللہ کے لیے کہ وہ خود کو متکبر کہے. میرا اور آپ کا متکبر اللہ کو ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو انتہائی کمزور بنایا ہے. ساری دنیا جس کے ہاتھوں میں دی ہے نا، اسے اتنا کمزور بنایا کہ وہ اللہ کو پکارتا رہے. انسان کا ضعف،
ये जो ज़ाफ़ है ना हमारा, कमजोरी जो है हमारी, ये अगर हम महसूस कर जाएं, इसको अगर दर्क कर जाएं, इसको अगर हजम कर जाएं, इसको अगर यकीन कर जाएं कि हम कमजोर हैं, तो जितना मेरा यकीन मेरी कमजोरी पे बढ़ता जाएगा इतना ही कादर मुतलक मुझे कुदरत अता करता रहेगा। यहां किस्सा कुछ और है, बारगाह परवरदिगार में मामला कुछ और है। यहां एहसास करो कि तुम कमजोर हो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो। हुवल गनीउल हमीद, अगर गनी है तो सिर्फ वो है। बस जब इंसान को अपने फकर का एहसास हो जाए और उसके गनी होने का एहसास हो जाए तो फिर ये एक तालिब कहलाएगा, एक मतलूब कहलाएगा। ये जो फकीर है, अलबत्ता लफ्ज फकीर मुझे तो फकीर मिल नहीं रहे, आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा। ये जो रोडों पर, चौकों पर, चौराहों पर भीख मांग रहे होते हैं, ये फकीर नहीं है, ये जलील है। जो अपने जैसे के सामने हाथ फैला दे उससे ज्यादा जलील और कौन होगा? आपकी दिक्कत मेरे साथ है। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, जी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं कि हशाम इब्ने अब्दुल मलिक जो गवर्नर है, उसे महसूस हुआ कि मताफ में कोई खास शख्सियत है जिसका एहतराम तवाफ करने वाले उसका एहतराम कर रहे हैं। कहने लगा कौन है ये? कहा हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं। तो कहने लगा जरा रास्ता बनाओ, जगह बनाओ, मैं भी इनके करीब जाऊं। करीब आकर तवाफ करते करते सलाम किया हजरत को, हजरत ने मुड़कर देखा तो कहने लगा कि मैं गवर्नर हूं। तो हजरत ने फरमाया कहो क्या कहते हो? भाई ये किस्से दोहराने के हैं, ये मजलिसें हम इसीलिए करते हैं ताकि एतमाद बढ़े, तवक्कुल बढ़े, बोलने बात करने का सलीका मिले। हमें तो बोलना भी नहीं आता, बोल कर भी इमाम सज्जाद ने बताया है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। हमें बोलने का सलीका भी अहले बैत ने अता किया है। आपकी समातों के लिए एक और जुमला हदिया कर रहा हूं। ये जो आपने फरमान दसियों दफा सुना, मैंने सुना, मैंने बयान किया, हम बयान करते हैं, आप सुनते हैं, आप बयान करते हैं, हम सुनते हैं। नहनु नुकल्लिमु नास बिकद्र उकूलिहिम, मेरे मौला अली फरमाते हैं, नबी मुकर्रम ये फरमाते हैं कि हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। अब मौला अली की तशरीह सुने इस जुमले का, ये कितना सबने सुना है, हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने कभी भी अपनी अक्ल के मुताबिक बात नहीं की, कोई समझ ही नहीं पाता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा आप कैसे तय करें उनकी अकल के मुताबिक गुफ्तगू कैसे हो, उनकी उनका मायारे फहम हमें कहां मालूम होगा? 30-30 जिल्दों में शरहें लिखी जाएंगी, 50-50 शरहें होंगी और हर शरह 30-30 जिल्दों में होंगी, फिर भी सारी शरहों को तराजू के पलड़े में रख दें और अली का अकेला जुमला तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें, वो लंबी लंबी गुफ्तगू, वो इल्मी मबाहिस जो अली के एक जुमले को समझने के लिए दानिश्वरों ने, अदीबों ने, खतीबों ने, साहिबा ने इल्म ने, फलसफियों ने, मंतकियों ने जो एक जुमले को समझने के लिए पूरी जिल्द लिख दी, उस एक जुमले को रख दीजिए तराजू के एक पलड़े में और वो जो 85 जिल्दें एक इस जुमले की तशरीह में लिखी गई है तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिए, तब भी अली का तराजू, अली के जुमले का वजन गिरा रहेगा, भारी रहेगा। हमसे तो हमारी अकल के मुताबिक बात करते हैं वो। भाई अहले दिक्कत बैठे हैं और ये आलेबा का ये खमसा मेरे हिस्से में ये साल भर की ये चंद मजालिस हैं और इसका मतलब यही है जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं है कि ये बुलाते नहीं है, बात यह है कि तौफीक इन मजलिसों की हो रही है। मैं एक जुमला कहूंगा,
जब कह दिया मासूम ने कि नहनु नुकल्लिमु नास अला कद्रि उकुलिहिम, हम लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करते हैं, तो मुझे अपनी अकल बढ़ानी होगी ना ताकि बात गहरी हो, मुझे अपना मयार फहम बुलंद करना होगा। मैं हजरत आयतुल्ला जवादी अमली के दर्स में था, दर्स तफसीर में था, और वो कभी कभी जुमे का खुतबा भी देते हैं मुसल्ला कुद्स के, और अब हरम हजरत मासूमा में होता है वो खुतबा। तो एक पर्चा आ गया उनके पास कि साहब आपकी गुफ्ती बड़ी संगीन होती है, बड़ी गहरी होती है, आपकी बातें बड़ी वजनी होती हैं, हमारे सर से गुजर जाती हैं, बहुत सारी बातें हम समझ नहीं पाते, और आप एक बात आपकी अभी हम गौर कर रहे होते हैं कि उससे बड़ी दूसरी आ जाती है, अभी उसी में हम पूरी तरह नहीं पहुंचे होते कि एक और बड़ी बात आ जाती है, तो कुछ जरा नीचे आकर बात कीजिए, कुछ जरा नीचे आकर बात कीजिए। अब उनका जुमला सुने, वो कहने लगे मैं नीचे आकर बात नहीं करूंगा, तुम ऊपर आके सुनो, ये हम पर एहसान है मौला नबी का और मौला अली का, सरकार नबी मौला का और सरकार मौला अली का हम पर एहसान है कि हमारी अक्ल के मुताबिक बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे बात और गहरी समझनी है तो अपनी अक्ल बढ़ानी होगी। और एक जुमले में नुस्खा देता जाऊं बच्चों और जवानों को कि अक्ल बढ़ती कैसे है। भाई ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं मगर फार्मूले हैं, क्या करूं कि मेरी अकल बढ़े। सैयदा जहरा फरमाती हैं गुनाह खत्म कर दो अकल बढ़ जाएगी। जिनके जिंदगियों में गुनाह कम होते जाएंगे, इससे बेहतर सलवात मुमकिन है तो दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, गुनाह कम कर दो तुम्हारी अकल ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज्यादा अकल को जायल करने का जो जो वबा है, जो वायरस है, जो कोरोना है, अकल को खत्म करने का जो कोरोना है ना, वह है गुनाह। थक रहे हैं मेरी बातों से आप? गुनाह इंसान की अकल को जायल करता है जी। गुनाह खत्म कम होते चले जाए, अच्छा खुद सबको तय करना है, हर एक का आईना खुद उसका वजूद है, हमें किसी शीशे का आईना बना के बालों को तो देखा जा सकता है, रूह को उसमें नहीं देखा जा सकता, अपने नफ्स को उसके अंदर नहीं देखा जा सकता, अपने मन को आईने में नहीं देखा जा सकता। अपने मन को देखने के लिए अपने आप को सामने रखना होगा, और अल्लाह ने हमें हमारा आईना बनाया है। खबरदार दूसरे को देखकर अपने आप को ना देखो, अपने आप को देखो तो तुम्हें नजर आएगा। और ज्यादा देर नहीं चाहिए इसके लिए, ज्यादा लंबा काम नहीं है इसके लिए, कोई चीज खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, बस कोई दो चार पांच दस मिनट के लिए खलवत में बैठ जाओ, बच्चों से बात कर रहा हूं, खलवत में बैठ जाओ, तन्हाई में बैठ जाओ, ऐसी जगह चले जाओ कि जहां कोई और तुम्हें आकर कोई मोबाइल ना बज रहा हो, कोई आके कान में कुछ ना फूंक रहा हो जी, तन्हाई में जाके बैठ जाओ, कुछ देर के लिए अपने ऊपर गौर करो कि आज मैंने क्या किया है। और जब ये मश्क मेरी बढ़ती चली जाएगी और मैं अपने ऊपर गौर करता चला जाऊंगा तो अजीजो मैं खुद अपना आईना बन जाऊंगा, और फिर मुझे मालूम हो जाएगा, दिक्कत चाहूंगा, फिर मुझे मालूम हो जाएगा कि कहां कहां मेरी क्या कमजोरी है जी, अकल बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, हमारी अकल के मुताबिक आईमा बात कर रहे हैं ना, तो हम कैसे मालूम करें कि उनका मयार फहम क्या है। भाई बड़ी मेहनत का जुमला हदिया करूंगा, ये मफाहिम ऐसे ही मुंह पर नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही बोलता नहीं जा रहा हूं, इन पे काम हुआ हुआ है पहले से। ये जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, ये ऐसे ही मिंबर पे बैठकर मैं खामा खा नहीं बोल रहा हूं, इस पे फलसफियों ने, हुकमा ने, दानिश्वरों ने, उराफा ने, मैं तो जूतियां सीधी करने की भी तौफीक मिल जाए तो बड़ी सआदतमंदी होगी। ये इस इन जुमलों पर काम हुए हैं जो आपको हदिया कर रहा हूं, जुमला महसूस करेंगे, कैसे मालूम करें कि मयार फहम अहले बैत क्या है। तवज्जो चाहूंगा, जुमला हदिया कर रहा हूं, जब अहले बैत हमसे बात करते हैं तो हमारी अकल के मुताबिक बात करते हैं, जब अल्लाह से बात करते हैं तो अपने मयार फहम के मुताबिक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत, दुआएं आइम्मा की मुनाजात, सहीफा कामिला,
صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ رضویہ، ایک صحیفہ کاملہ نہیں ہے ہمارے پاس. البتہ صحیفہ کاملہ وہ ہے کہ جس کے لیے اہل سنت کے اکابرین نے کہا ہے یہ زبور آل محمد ہے. صلوات پڑھے مولا سجاد کی رات. جی ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات ہو رہی ہے. ہم اپنے اوپر اپنے اوپر اور لہذا بہت سارے لوگوں کو ہر بات ہر ایک سے نہیں کی انہوں نے. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جس کا معیار جتنا تھا اس سے اتنی بات کی. خاص لوگ بھی تھے جن سے ایسی بات کی جو عام لوگوں سے نہیں کی. جی دربار ہے امام الرشید کا، میرے مولا امام رضا کی کرسی لگی ہے. روزانہ کی بنیاد پر مختلف مذاہب مکاتب مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور امام سے سوالات کرتے ہیں اور امام ان کے جوابات دیتے ہیں. ایک دن طے تھا کہ آج آئیں گے مخالفین آئیں گے، یعنی مسلمانوں میں وہ لوگ کہ جو مخالفین. مخالفین جب آئمہ کی زبان میں حدیث میں مخالف کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد غیر شیعہ ہے. غیر شیعہ کو حدیث آئمہ اہل بیت میں، احادیث آئمہ اہل بیت میں جب بھی لفظ مخالف دیکھیں گے نا اس سے مراد غیر شیعہ ہے. تو مخالفین کا دن تھا، سوالات لے کر آئے ہوئے تھے. ایک مخالف کو موقع ملا، جی آپ بولیے. سب وقت مانگ مانگ کے اجازت لے لے کے حضرت سے بات کرتے تھے. ایک نے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا میرا عقیدہ نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے. جی ہمارے عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ. تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، حضرت مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. مامون الرشید امام رضا سے کہنے لگا مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا ہم تمہیں ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. یہی تو حسن ہے نا، حدیث حدیث کو سمجھائے، آیت آیت کو سمجھائے، تسلی ہو جائے گی. کہا میں ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں، مولا رضا فرماتے ہیں، جو تمہیں اس حدیث کو سمجھائے گی. کہا فرمائیے. حضرت نے فرمایا تم نے یہ حدیث سنی، سمجھی، پڑھی، دیکھی، اس حدیث کو مانتے ہو کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. بھائی صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. کہنے لگا یہ حدیث میں نے سنی ہے اور یہ حدیث میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ حدیث اس حدیث کو سمجھا رہی ہے، جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ. محفل برخاست ہو گئی، حضرت کا فرمان مکمل ہو گیا، لوگ کانے ہو گئے، لوگ مطمئن ہو گئے حضرت کے بیان سے. حضرت تشریف فرما ہوئے، حضرت عباس سلطہ ہروی نے جوتیاں سیدھی کی. اچھا ذہن میں رہے کہ یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے، یہاں اکڑ کے آنے والے تو ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑ ہی نہیں پاتے. اس دروازے پر اکڑ کر آنے والے ایسے ٹوٹتے ہیں. یار اس کی بھائی میرے عزیز، اس کی ذرا آواز صحیح کرو، اس کی گونج صحیح کرو، اس کو فلیٹ کر دو، بالکل سیدھا سیدھا کر دو. ایک صلوات اور پڑھیں گے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیں. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات. اسے ادھر سائیڈ میں رکھ دو، زخانے میں رکھ دو، ادھر رکھ دو. ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات. یہی وجہ تھی.
तवज्जो मेरे साथ है आपकी। मैं तो जब खुद हज साहब, जब तक मैं खुद लुत्फ नहीं लूंगा लुत्फ आएगा नहीं, जब तक मैं खुद जायका नहीं लूंगा। और दुनिया के कौन से हलवे में जायका है जो अहले बैत की तालीमात समझने में जायका है? असल जायका ही है भाई। हम इस वक्त जो मजलिस में बैठे हैं, जायका फहम अहादीस लेने आए, जायका तफसीर कुरान लेने आए। और ये जायका जौक के खानदान का लफ्ज है, जिसका जायका अच्छा होता है उसका जौक अच्छा होता है। और खुदा के लिए मेरे मिंबर का तकाजा यह है कि मेरी कौम का जायका अच्छा हो जाए, मयार इतना ऊंचा हो जाए कि हर बात सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। दिक्कत है आप हजरात की, हजरत अब्बास सलते रवी ने जूतियां सीधी की, मैं जायका ले रहा हूं। जो जो यहां अकड़ता है ना वो टूट जाता है, और जो यहां झुकता है वो बुलंद हो जाता है। लिहाजा मुझे अजीज मेरे भाई मोहतमिम मुंतजिम मजलिस, बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, मगर कितना अच्छा है कि जायरीन की अजादारों की जूतियां सीधी करें, इस बीमारी को खत्म कीजिए जो हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है। बूफा सिस्टम आता जा रहा है जी, कुर्सियों पर बैठने बुजुर्गों और बीमारों की बात नहीं कर रहा, खामा खा कुर्सी पर बैठे हुए जी। तो फिर यह एक आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार हो जाएगा, मजलिस तो रहेगी नहीं। फिर अगर मैंने हौसला शिकनी ना की, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, तो खुदा ना खास्ता कुछ अरसे के बाद ये मजलिसें सेमिनार ना हो जाएं। मजलिसों का उन्वान कुछ और है, यहां कुछ और अंदाज से बैठा जाता है, यहां बैठने वालों की नियतें कुछ और होती हैं, यहां बैठने वालों की अकीदतें कुछ और होती हैं। खुदा ना खास्ता अगर तकलीफ है भी, उमूमी बात कर रहा हूं, आज बैठे हुए लोग मुझसे नाराज ना हो, खुदा ना खास्ता अगर तकलीफ है और बर्दाश्त कर सकता हूं तो कम से कम मसाइब में जमीन पर बैठ जाऊं। जब जी मसाइब का दौरानिया शुरू हो तो मैं नीचे बैठ जाऊं। और अदब और एहतराम, आयतुल्ला खुमैनी फरमाते हैं अजादारी को ऐसे ही मुनक्किद करो जैसे करते आए हो, रिवायात की पासदारी करो। हमारे वो बर्तन निकलेंगे न्याज के लिए जो साल भर इस्तेमाल नहीं होते जी। बड़ी बूढ़ियों को कहा जाता था कि ये लकड़ियां, जब चूल्हा जो गैस का दौर नहीं था, जो लकड़ियां धो रही हैं क्योंकि न्याज के लिए न्याज के लिए जलेंगे, न्याज पकेगा पकेगी और उस चूल्हे के अंदर ये लकड़ियां जलेंगे। तो जदीद लोग और जिद्दत पसंद लोग और जमाना जद लोग कि ये लें लकड़ी धो दी इन्होंने, इसमें से तो अब धुआं निकलेगा जी, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कर रही है, एहतमाम कर रही है जी, सजा रही है। बहरहाल तरीके के साथ, एहतमाम के साथ, फर्श चांदनियां साफ सुथरी होनी चाहिए, नजरदारों का ख्याल किया जाए। कुछ बातों में इराकियों से कुछ सीखने की जरूरत है, इराकियों को देखें कि वजादारों के कितने काम आ रहे होते हैं, बिछे जा रहे होते हैं, उनकी खिदमत और नौकरी में लगे हुए होते हैं। तो जूतियां सीधी करने वालों को बड़ा मकाम मिला है। मेरे मौला काजिम की जूतियां एक शख्स ने सीधी की, दरबार था मामून रशीद का, नौरोज का दिन था, हजरत के सामने जो हदिया आता था कहता था उन हजरत के सामने रख दो। हजरत एक खास जगह पर बिठाए गए थे, बड़े अहतमाम के साथ मुमलिकत की शख्सियात बैठी थी दावत में, हदिया लाते थे लोग हारून रशीद के लिए, इमाम फरमाते थे हजरत मूसा काजिम के सामने रख दो। और वो जमा होता रहा, जमा होता रहा, इतना जमा हो गया कि वो छत तक वो अंबार लग गया हदियों का, जो नजराने लाए जा रहे थे बादशाह के लिए। जब महफिल बर्खास्त हुई, अच्छा ये समझ रहा था कि मैं इनको मरूब कर रहा हूं, मैं इन पर एहसान कर रहा हूं, मजमा ये समझ रहा था कि लो भाई आज इमाम माजल्ला इनके एहसान के नीचे आ गए माजल्ला। जैसे ही महफिल बर्खास्त हुई, हजरत उठे,
उसी मजमे में से एक शख्स दौड़ता आया, अनजान आदमी था, कोई आशना शख्स नहीं था, ऐसे ही चढ़ने वाला दौड़ता आया और हजरत की जूतियां उसने सीधी की। जैसे ही उसने जूतियां सीधी की, हजरत ने उसका चेहरा देखा, उस तोहफों की तरफ देखकर कहा, ये सारे मैंने तुम्हें दे दिए। हाँ, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। तो जूतियां सीधी करने वालों को बहुत कुछ मिलता है। अब मौला की जूतियां सीधी करें या मौलाइयों की जूतियां सीधी करें, मौला तो दोनों में राजी होंगे ना। तो क्या किया हजरत अब्बास अल-तेहरवी ने, जूतियां सीधी की और जूतियां सीधी करते हुए कहा, मौला वही जवाब है जो आपने इनायत फरमाया। आप बहुत दूर तो नहीं आ गए जी। हजरत ने फरमाया कि जन्नत और दोजख के तकसीम करने वाले अली इसलिए हैं कि यह हदीस ये कह रही है कि जो अली से मोहब्बत करेगा मोमिन है, जो अली से नफरत करेगा वो काफिर है। अली की वजह से जन्नत जाएंगे, अली की वजह से दोजख जाएंगे। तो अब्बास अल-तेहरवी ने जूतियां सीधी करते हुए कहा, मौला यही जवाब है जो आपने फरमाया। फरमाया वो उनके लिए था, तुम्हारे लिए और है। ये खुद दलील है कि मयारे फहम बुलंद करो तो हम भी बुलंदी पर आएंगे, हम भी तुम्हारे मुताबिक बोलना चाहते हैं। कमाला वो क्या है जवाब जो मेरे लिए है। हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए जवाब यह है कि मेरे जद अली महशर में खड़े होंगे और दोजख से कहेंगे ये तेरा है, जन्नत से कहेंगे ये मेरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। तवज्जो कर लिया आपने अजीजाने गिरामी। बहस ये है, उनवान गुफ्तगू ये है कि अल्लाह ने हमें कजाए इलाही और तकवीन कायनात के मुताबिक खल्क किया है, मगर तशरीए इलाही और तकदीर परवरदिगार के मुताबिक हमें खुद तय करना है कि करना क्या है। कल की दो मजलिसों का रब्त मैं जोड़ रहा हूं आज की मजलिस से। तकवीन परवरदिगार कजाए इलाही है कि मैं दुनिया में आ गया और अल्लाह का ये इरादा, अल्लाह ने तकवीनन मुझे ऐसे खल्क किया है, वहां खल्क किया है, फलां जबान बोलने वाला खल्क किया है, फलां घराने के अंदर खल्क किया है, फलां माँ बाप और फलां मिसाल के तौर पर इलाके में और फलां मुल्क में पैदा किया। ये तकवीन है, ये कजाए इलाही है, मेरा इसमें कुछ बस नहीं चला। मैं अपनी पसंद से पसंद के माँ बाप के घर नहीं आ सकता था, मैं अपनी पसंद से पसंद की जबान बोलने वालों में पैदा नहीं हो सकता था, ये कजाए परवरदिगार है। लेकिन कदर ए परवरदिगार ये है कि मुझे जहां खल्क किया है अल्लाह ने, वहां मैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जी कर दिखाऊं। मेरे अपने इख्तियार में है, मुझे आंखें दो दी हैं, मगर ये भी बताया है कि क्या देखना हराम है और क्या देखना हलाल है। मुझे दो पैर दिए हैं, ये तो तकदीर, ये तो कजा इलाही है, मगर ये पैर कहां जाएं और कहां ना जाएं, ये तकदीर इलाही है। परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि उसने हमें कजा से कदर, तकवीन से तशरी का सफर करवाया है। ये जो 9 साल की लड़की और 15 साल का लड़का क्यों, कैसे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों नहीं, हम ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये जो सोच रहा है, तहकीक कर रहा है, गौर कर रहा है, तदब्बुर कर रहा है, ये तकवीन से तशरी का सफर है। ये समझना चाहता है कि अल्लाह ने निजाम मेरे लिए क्यों बनाया है। अब अगर वो समझ नहीं पा रहा तो इसमें कसूर निजाम का नहीं है, कसूर मेरा और आपका है कि मैं उसे समझा नहीं पाया। लिहाजा इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये पुराना ऐब है इंसान का कि अपनी कोताही किसी और पे डालता है, कहे कि मैंने नई बात पहुंचाई, कहे के कह दे के मुझसे नहीं पाए बात समझाई गई। आज जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तशय्यों से मुताल्लिक गलत फहमियां हैं वो दो तरह के लोगों को हैं। कुछ गलत फहमियों का शिकार नहीं है, भाई जुमला महसूस करेंगे, कुछ गलत फहमी का शिकार नहीं है, गलत अमली का शिकार है। सब जानते हैं, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अंदर और बाहर वाले मिलकर सलवात पढ़ें। तवज्जो कर रहे हैं,
कुछ गलत अमली का शिकार है, जानते सब है, पता सब है, और कुछ गलत फहमी का शिकार है। उन तक बात पहुंची नहीं है। मैंने मुकदमा अच्छा अपना लड़ा नहीं है, मैंने अपना मुकदमा, अपने मकतब का मुकदमा, अपने अकायद का मुकदमा अच्छे अंदाज से पेश नहीं किया। जितना मुझे मौका मिलता है, जितना हमें वसाइल फरहम है, वसाइल कोई मादी और दुनियावी और हुकूमती वसाइल की बात नहीं कर रहा जी, सबसे बड़ा वसीला हमारे पास जो है वो हमारा जज्बा है। ये जो हमारे पास है इसके मुताबिक हमने काम नहीं किया। मैं एक मजलिस में इसकी तरफ इशारा कर चुका हूं, ज्यादा ठहरूंगा तो तकरार हो जाएगी। अजीजा निगरामी, वो जो तशरी की तरफ सफर है, क्यों और कैसे का जज्बा और उसकी तस्कीन का मरहला है, वो है कि जो दर हकीकत मुझे मजबूत बनाता है। मैं काले कपड़े क्यों पहनता हूं, मैं सजदा का क्यों रखता हूं, मैं मातम क्यों करता हूं, मैं रोता क्यों हूं, मैं हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ता हूं, मैं 8 मिनट बाद रोजा क्यों खोलता हूं, मैं ये सारे जो मेरा हक है ना कि मैं उसको पेश करूं। मुझे अलबत्ता वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा होता है, इसलिए कि वो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जरूरत भी रखता हूं जी। दूसरा पैगाम वो ये दे रहा होता है, खबरदार लाखों शियों के दरमियान भी हाथ बांध के नमाज पढ़ लेना, शिया मारते नहीं है। शिया बर्दाश्त रखने वाले लोग हैं, शिया तहम्मुल मिजाज कौम है, शिया अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की तालीमात की खुशबू लेने वाले लोग हैं। हमने तो एक दो नहीं 11 इमामों की सीरत देखी है कि जिनकी सीरत हमें बहुत कुछ अता करती है, हमारे मिजाजों को सीरत ने बनाया है। आज जो मेरे बारे में कहा गया मैं उसके बारे में सिर्फ एक जुमला कहूंगा और चाहने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। पहले सोशल मीडिया पर दुनिया जहान से फोन रابطे दरवाजे पर आ गए थे, सीओ लोग, किसी को गुस्सा था तो किसी को नसीहत थी, कोई मशवरा देना चाह रहा था। आज जो मुगल्लजात, आज जो नामुनासिब जुमले कहे गए तो मैं उसके बारे में पहले शुक्रिया अदा करूंगा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनसे, कि आपका शुक्रिया कि आपने प्यार किया, मोहब्बत की, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं तो नौकर भी शुमार हो जाऊं अहले बैत के मकतब का, तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई फकीरों की औलाद हूं। मेरे वालिद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, 75 साल की उम्र है, कोई 60 साल से सोसानी कर रहे हैं, दादा परदादा से हम अहले बैत के नौकर और खादिम और जाकिर चले आए हैं जी, और 30% दिल उनका काम कर रहा है। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने कहा था कि आप एहतियात कीजिए, मगर मुहर्रम में 3 नशरे सोसानी के उन्होंने, और जब कोई रोक रहा था, समझा रहा था, तो वो कह रहे थे कि आखिरी वक्त में कैसे जिक्र छोड़ दूं, बुढ़ापे में जिक्र कैसे छोड़ दूं, सारी जिंदगी अहले बैत का जिक्र किया है। तो फकीरों की औलादें हैं हमारे यहां, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो जानते हैं हमारी फैमिली को, खानदान को, आबा अजदाद को, शहीद देने वाले, कुर्बानियां देने वाला खानदान है, मातमी घराना है, अजादार घराना है, हल्के में लग के मातम करने वाले लोग हैं। घर से अजादारी होती है, घर से जुलूस निकलता है, घर से ताबूत और जुलजना का जुलूस निकलता है, बड़े अलमों का जुलूस निकलता है, जैसे अमरोहा वालों के मखसूस अलम है ना, ऐसे अलवर वालों के भी मखसूस अलम बनाने का अंदाज मखसूस है जी। तो मैं आपके तवस्सुत से आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा और फिर आज के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं अहले बैत की सीरत को और उनको राजी करने के लिए सब्र का दामन थाम रहा हूं, और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सब्र करें, बर्दाश्त करें। मुझे और आपको पाकिस्तान की जमीन अजीज है, हम पाकिस्तान की सरजमीन को सालिम और पुरअमन देखना चाहते हैं। हम जानते हैं आलमी साजिशें और आलमी शैतानी
सियासत किस तरफ अपना रुख कर रही है। अगर मैंने जैसे का तैसा जवाब दे दिया तो उनकी मुरादें पूरी होंगी जो पाकिस्तान में फसाद चाहते हैं। पाकिस्तान, और बेहतर जवाब दीजिए। क्या हुआ? पाकिस्तान जिंदाबाद पहले लगाइए, और जवाब दीजिए। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आलम। अल्लाहुम्म सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है वो जो तकवीन से तशरी का सफर है, उस तशरी के सफर को इंसान उस वक्त दर्क कर पाएगा जब खुद को दर्क कर पाएगा, जब खुद को दर्क कर ले। अल्लाह ने सारी मखलूक को बनाकर दूसरी मखलूक के हवाले किया है, पत्थरों को बना के पौधों के हवाले, पौधों को बना के हैवानों के हवाले, हैवानों को बना के इंसानों के हवाले, मगर इंसान को किसी के हवाले नहीं किया, इंसान को खुद इंसान के हवाले किया है। अब ये जो इंसान को इंसान के हवाले किया है परवरदिगार आलम ने, ये इंसान खुद को दर्क कैसे करे? भाई मैं मेहनत का और अपने नतीजे का मरहला दे रहा हूं आपको। ये इंसान खुद को दर्क कैसे करे? मैं तो अपने आप को जानता नहीं हूं। सबसे ज्यादा मजहूल मखलूक ही इंसान है, सबसे ज्यादा नाशनाख्ता वजूद ही इंसान है। यह आसमानों को समझ लेता है, अपने आप को नहीं समझता। यह जमीन को पहचान लेता है, अपने आप को नहीं पहचानता। यह जानवरों पर पीएचडी हो जाता है मगर अपने ऊपर मैट्रिक भी पास नहीं हो पाता है। यह पौधों और पत्थरों को पहचान लेता है मगर अपने आप को नहीं पहचानता। ये अपने आप को नहीं पहचानता तो ये अपने इसके हवाले ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने इंसान को इंसान के हवाले किया है। अलैकुम अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ऐ साहिबान ईमान तुम्हें तुम पर फर्ज किया है, खुद पर गौर करो बस। तो ये तो अपने आप को जानता नहीं है तो कैसे गौर करेगा, कैसे पहचानेगा? अल्लाह ने लाखों मच्छर बगैर मकसद के नहीं बनाए, अल्लाह ने अरबों मक्खियां बगैर मकसद के नहीं बनाई, अल्लाह ने ये कांटे जो दरख्तों के अंदर लगे हुए होते हैं और पौधों में लगे हुए होते हैं ये बगैर मकसद के नहीं बनाए, ये बिच्छू बगैर मकसद के नहीं बनाए, ये सांप बगैर मकसद के नहीं बनाए। मैं नाम ही उनका ले रहा हूं उन चीजों का कि जिनको इंसान शर समझता है। अल्लाह ने इनमें से किसी को भी बगैर मकसद के नहीं बनाया। बस मकसदियत की शनाख्त को कीमत शनासी कहा जाता है। आपकी तवज्जोहात का शुक्रगुजार हूं। जब मैं अपने मकसद को पहचान लूंगा तो मैं अपनी कीमत को पहचान लूंगा, और जब मैं अपनी कीमत पहचान लूंगा तो अपने आप को पहचान लूंगा। बच्चे के हाथ में सोने की डली, अम्मा की उठाकर ले आया टिकिया, घर में से सिक्का उठा के ले आया बच्चा, अम्मा का सोने का सिक्का, सिक्का बाहर किसी ने देख लिया कि इसके हाथ में सोने का सिक्का है तो टॉफी देकर कहा बेटा हमें दे दो, तो ये दे देगा या नहीं? ये टॉफी लेकर सिक्का दे देगा, इसलिए कि इसके नजदीक टॉफी की कीमत है, इसके नजदीक सोने के सिक्के की तो कीमत ही नहीं है। वो क्या करेगा इसको, वो बच्चा क्या करेगा सोने के सिक्के को? चबाएगा, उसे कोई मजा नहीं आ रहा। लिहाजा उसके नजदीक जिस चीज की कीमत थी उसका उसने सौदा कर लिया। बड़ी इनायत, बहुत शुक्र गुजार हूं। मैं जब तक अपनी कीमत नहीं पहचानूंगा, मैं जब तक अपनी कीमत नहीं जानूंगा अपना सौदा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अब जब मच्छरों की कीमत है, मक्खियों की कीमत है, तो मेरी भी तो कीमत है।
मुतवक्किल की नाक पर बार बार मक्खी आके बैठ रही थी और ये बार बार झल रहा था। वो बार मक्खियां होती है ना, क्या बोलते हैं आप, जो छोड़ती नहीं, जान नहीं छोड़ती, आप झलें फिर आ जाएगी। इस टाइप की मक्खी बार बार नाक पर आके बैठ रही थी। तो हाँ मुझे पता है, मगर मेंबर का अदब रोक रहा है नाम लेने से, तो मेंबर की अपनी जबान होती है ना। तो वो मक्खी बार बार वो झलता रहा, आखिर उलझ कर इमाम नकी की तरफ देखकर कहने लगा, अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है? अच्छा, उनसे पूछना बता रहा है कि ये बताएंगे कि क्यों बनाई है? जी ये इतना तो पता है इसे। कहने लगा, अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है? तो इमाम ने बेसाख्ता फरमाया, मुतकब्बिरों के गुरूर को मिटाने के लिए सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब एक ये जुमला कुछ देर के लिए जहन में मेरे बच्चे और जवान बिठा लें, वक्त तंग हो रहा है। एक ये जुमला अपने जहन में बिठा लें कि हमारा मकसद क्या है। जो हमारा मकसद है वो ये हमारी कीमत है। जब कीमत मुझे मालूम हो जाएगी तब मैं अपने आप को पहचान सकूंगा। अब ये कीमत जानने का जरिया क्या है, कैसे मैं कीमत जानूं? मैंने वो वाकया नातमाम छोड़ दिया था इस वक्त के लिए। हशाम कहने लगा कि मैं गवर्नर हूं। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने फरमाया, मैं इस वक्त अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, फिर बात करेंगे। कहने लगा, मैं अल्लाह की बारगाह में आपसे कहता हूं कि कोई हुक्म करें, मुझे कोई कुछ कहें, मुझे काम बताएं। गवर्नर कह रहा है, गवर्नर कह रहा है मुझे कोई हुक्म करें, कोई काम बताएं। नबी का प्यारा सहाबी है, नबी का बहुत अजीज सहाबी है, बड़ा मकाम है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का। कहा, आप, मैं अल्लाह की बारगाह में आपसे कह रहा हूं मुझे कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कि दुनिया मैंने छोड़ दी है तो दुनिया तो मुझे चाहिए नहीं, आखिरत में कुछ दे सकते हो? अल्लाह अकबर, बड़ा हसीन वाकया है। कहने लगे, आखिरत में कुछ दे सकते हो? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी फैसला कर रहे हैं, जो आखिरत में कुछ दे सके दुनिया में उससे मांगा जा सकता है। सलवात पढ़े अजमत अहले बैत पर। कहने लगा नहीं, मैं आखिरत में कुछ नहीं दे सकता। हजरत ने फरमाया, दुनिया मैंने छोड़ दी है, आखिरत तुम दे नहीं सकते हो। दुनिया मैंने तर्क कर दी है और आखिरत तुम दे नहीं सकते हो, तो तुमसे मांगू क्यों? अजीजा ने ग्रामी, कौन बताएगा? आइए हकीम साहब, आइए अंदर आइएगा। कौन बताएगा, दिक्कत है, कौन बताएगा कि मेरी कीमत क्या है? मैं कैसे जानूंगा कि मेरी कीमत क्या है? आप लोग थोड़ी देर कहीं और चले गए, आ जाइए, वापस आ जाइए। एक सलवात पढ़े जरा, बेहतर सलवात पढ़ लीजिए, बेहतर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी कीमत क्या है कौन बताएगा? मैं तो जानता नहीं हूं अपने आप को। जब बाजार उकाज लगता था ना मक्के में, तो पूरी दुनिया के ताजिर आते थे मक्के में, और सैयदतुत्तुजार जनाबे खदीजा तय करती थी कि फलां जिंस की कीमत मार्केट में क्या होगी। जी, ताजिरों की सैयदा। सारे ताजिर पहले हजरत के घर आ जाते थे, दस्तरखान लगा हुआ होता था, पहले उन्हें खाना खिलाया जाता था, उन्हें आराम के लिए जगह फराहम की जाती थी, उनके अपना अपना काफिला माल का, ऊंटों के काफले ठहरे हुए हैं, माल लेकर आए हुए हैं, कोई मिस्र से आया हुआ है, कोई बसरे से आया हुआ है जी, कोई मदीने से आया हुआ है, कोई यमन से आया हुआ है, कोई शाम से, शामात से आए हुए हैं। और सारे ताजे जब जमा हो जाते थे तो फिर मार्केट का आगाज होता था, ओपनिंग होती थी, बाकायदा इफ्तिताह करती थी बीबी। ये मैं आज की जबान में बोल रहा हूं, मुमकिन है किसी को ये बात अजीब लगे, वरना बात पुरानी है। आज की जबान में बोल दिया मैंने कि वो फिर बाकायदा उसकी ओपनिंग होती थी, वो जो है वो एक्सपो सेंटर, बाकायदा बाजार उकाज को आज एक्सपो सेंटर कहते हैं ना आप, तारीख में बाजार उकाज जो है वो पूरी दुनिया के जिंस जमा किए जाते थे, माल तिजारत के लाए जाते थे, और उसके बाद वहां पर वो मार्केट लगती थी और दुनिया के लोग ताजिर आते थे वहां से
لے کر جاتے تھے. حضرت ختیجہ سیدہ تجار ان کے گھر میں پہلی نشست, پھر تاجر اپنا اپنا کام شروع کر دیتے تھے, بی بی طے کر لیتی تھی کون کیا لایا ہے کون کیا لایا ہے, پھر طے ہو جاتا تھا. ایسے ہی ہے, تو سیدہ طے کرتی تھی کہ اس مال کی قیمت کیا ہے. تو مال کی قیمت, جنس کی قیمت, وجود کی قیمت, متاع کی قیمت وہ لگائے گا کہ جو اس کا ماہر ہو. بھائی بڑی بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بات روشن کروں. وہ لگائے گا قیمت جو اس کا ماہر ہو. اب میرے جان کی قیمت, میرے وجود کی قیمت کون لگائے گا؟ وہ لگائے گا جو وجود کا ماہر ہو. اور تاریخ ابدیت میں جس نے اچھی تجارت کر کے دکھائی, تاریخ بندگی میں جس نے اچھی قیمت لگا کر دکھائی, اسے علی کہتے ہیں. بسترے مصطفیٰ پہ سو کر میرے مولا علی نے اپنے وجود کی قیمت لگائی ہے, اور سب سے اچھا دام علی کا لگا ہے. اس سے اونچا دام کسی کا لگا ہی نہیں ہے تاریخ ابدیت میں. علی نے سب سے اچھا دام اپنا لگایا, اپنے آپ کو بیچ دیا, اللہ کی مرضیاں خرید. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جس نے سب سے اچھی قیمت لگائی ہے وہی ہماری قیمت لگانے کا حقدار ہے. چلیں مولا کی خدمت میں, مولا ہماری قیمت لگا دیجئے, تو ہم ایسے ہی بیچ دیں گے اپنے آپ. اچھا قیمت اسی سے لگوائیے گا جو خیانت نہ کر پائے. جی معلوم ہے کہیں اور بیچ دیا ہمیں. مولا آپ نے سب سے اچھی قیمت اپنی لگائی ہے تاریخ بندگی میں, تجارت کی دنیا میں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لیتے ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو بیچا اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لیں, وہ مولا ہمیں بتائیں گے کہ ہماری قیمت کیا ہے. ہم نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی, کلمات قصار میں ایک کلمہ مولا نے عطا کر دیا, فلا تبیعوها الا الجنہ. اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا. خبردار, اپنے نفسوں کو, اپنے وجودوں کو جنت سے کم نہ بیچنا. شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا. جنت کم سے کم قیمت علی نے لگائی ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ کم سے کم قیمت ہے کہ اس سے کم بیچو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, بس اس سے نیچے نہ آنا تاکہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو. علی نے جنت ہماری کم سے کم قیمت لگائی ہے, زیادہ سے زیادہ نہیں. بھائی وہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اب قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں ارشاد ہو رہا ہے, اللہ اکبر, وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ زمرا. صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جائیں گے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کر لے جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ جنت میں دھکا دے کر کیوں لے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کم قیمت لگی ہے, وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں, وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے انہیں دھکا دے کے جنت میں لے جایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, پھر آواز دیں گے لوگ کہ بھائی ہم تو ترس رہے ہیں جنت میں جانے کو, یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ انہیں دھکا دیا جاتا ہے, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر مڑ کر آ جاتے ہیں, پھر انہیں لے جائے, پھر آ جاتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم حداس الحسین, یہ کہہ رہے ہیں ہماری قیمت جنت کم لگی ہے, ہمیں حسین چاہیے. ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حسین کی زیارت نہ ہو, اس لیے کہ امام حسین کی جنت جنتی ہے, وہ مقام ہی کچھ اور ہے. جنت کے درجے ہیں, جنت کے ایک طبقات ہیں. جنت کا ہمیں حسین چاہیے.
फिर कहा जाएगा इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो, और फिर इंतजार करेंगे हुसैन के आने का। फिर महशर में सवारियां आएंगी। अजीब ये लफ्ज आपके यहां इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल का, अजीब प्रोटोकॉल होंगे। हजरत इब्राहिम की आमद के लिए लिखा है रिवायात में कैसे आएंगे, हजरत मूसा हजरत नूह कैसे आएंगे जी, बहुत हर एक के लिए अलहदा शान लिखी है कि जब उनका वरूद होगा तो ये होगा, ये होगा, ये मंजर बनेगा, ये लोगों ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे। और जब सारे नबी जमा हो जाएंगे, जब सारे औलिया जमा हो जाएंगे, अभी जनाबे रिसालत माब नहीं आए, अभी जनाबे जहरा नहीं आई, अभी मौला अली नहीं आए जी, अभी इमाम हुसैन नहीं आए, जब सारे नबी जमा हो जाएंगे तो आवाज आएगी ऐना ज़ैनुल आबिदीन, अब ज़ैनुल आबिदीन को लाया जाए। अल्लाह अकबर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की का वरूद होगा, जब महशर में आमद होगी, इमाम सज्जाद को महशर में एक शान से लाया जाएगा, और फिर आवाज दी जाएगी हाजा ज़ैनुल आबिदीन। सारा महशर तमाम अंबिया हजरत ज़ैनुल आबिदीन का इस्तकबाल करेंगे। फिर आवाज आएगी कि अब नबी को लाया जाए, तो नबी फरमाते हैं उबअसु अलल बुराक, मैं बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा, वतुबअसु फातिमा अमामी अलल अज़बा, और फातिमा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी जिसका नाम अज़बा है, वयुबसु अली अला नाकती, और अली मेरे नाके पर होंगे, वयुबसु हसन वल हुसैन अला नाकतैन, हसन हुसैन अपने अपने नाकों पर होंगे, वयुबसु अंबिया अला अलद्दवाब, और हर नबी अपनी सवारी पर होगा, आगे सैयदा चल रही होंगी, पीछे नबी होंगे, फिर मौला अली होंगे, फिर तमाम आइम्मा और अंबिया और औलिया इलाही और हादियान बरहक, इस शान से महशर में सैयदा की आमद होगी। और जब सैयदा की सवारी अर्श के सामने से गुजरेगी तो बीबी कहेंगी मेरी सवारी रोक दो, जो फरिश्ता भी बीबी की सवारी की लगाम पकड़े होगा, नाम है तफसील है मैं उसमें नहीं जा रहा, वो सवारी रोक देगा। तो आवाज कुदरत आएगी फातिमा क्यों रुकी हो, तो बीबी फरमाएंगी मुझे आज इंसाफ चाहिए, आइए जम्बिन कुतलत, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया है, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आप रो रहे हैं, आपकी आवाजें बुलंद हैं। बीबी से अल्लाह कहेगा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो, फरमाएंगी या अल्लाह मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसा असरे आशूर था, असरे आशूर में जैसा मेरा बच्चा था, मुझे महशर में ऐसा हुसैन दिखा। आवाज आएगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, बीबी फरमाएंगी मैं अहले महशर को बताना चाहती हूं मुझ पे क्या गुजरी है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, जब आप ऊंची आवाज में रोते हैं अहले बैत दुआ देते हैं। जब बीबी फरमाएंगी मैं अहले महशर को बताना चाहती हूं मेरे साथ क्या हुआ है, तो वसत महशर की जमीन को बुलंद किया जाएगा, चारों तरफ अहले महशर होंगे, बीच की जमीन को उठा दिया जाएगा, और आवाज आएगी हाजा हुसैन, सारा महशर देखेगा, मंजर यह होगा कि हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह आपकी आवाजों पर रहम नाजिल करे, मेरे मौला जख्मों से चूर, नेजे पे नेजा, तलवार पे तलवार, तीर पर तीर, और रोने वालों जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर मार रहा था, इस कैफियत में हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे हैं। हजरत आयतुल्ला मिश्किनी से मैंने हरम में हजरत मासूमा में ये मसाइब सुने, वो फरमाने लगे कि जब इमाम हुसैन असर अशूर घोड़े पर डगमगा रहे थे, कभी दाएं गिरने लगते थे, जीन पकड़ के संभलते थे और जबान पर कुछ कलिमात जारी करते थे, फिर दाएं गिरने लगते थे तो जीन पकड़ के संभलते थे, कुछ जबान पे तस्बीह पढ़ते थे, और एक वक्त ऐसा आया कि गिरते थे तो उस तरफ देखकर गिरने लगते थे, तो उस वक्त देखकर कहते थे ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। हजरत मुख्तार से कातिलाने हुसैन ने यह तो बता दिया कि हुसैन गिरते हुए इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए,
मगर वो कहते कुछ नजर नहीं आ रहा था कि हुसैन किससे बात कर रहे थे। अल्लाह अकबर। आयतुल्ला मिश्किनी फरमाते हैं जरा मारिफत की निगाहों से देखो, जब हुसैन गिरने लगते थे नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरे लाल मेरी गोद में आ जा, और इमाम फरमाते थे ना ना ये मेरा इम्तहान है, मुझे खुद जमीन पर गिरने दीजिए। कभी गिरने लगते थे फातिमा जहरा बढ़ के कहती थी ए मेरे बच्चे मेरी गोद में आ जाओ, और इमाम फरमाते थे अम्मा ये मेरा इम्तहान है, मुझे खुद जमीन पर गिरने दीजिए। फिर फरमाया जुलजना अब तेरी पुश पर मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझे जमीन पर उतार दे। ये जुलजना वो बावफा हुसैन की सवारी है कि अगर सवार गिर जाए ना तो ये छोड़ के नहीं जाता, अपने मालिक के करीब ही दौड़ता रहता है, अपने मालिक की हिफाजत करता है और दोबारा बिठाने की कोशिश करता है, लेट जाता है घुटने टेक देता है कि अगर मालिक हिम्मत करके बैठ जाए तो मैं इसे दोबारा वहां पहुंचा दूं जहां ये महफूज हो जाए। घोड़े ने बहुत चाहा, पिसरे साथ की आवाज आई कोई जुलजना को तीर ना मारे, मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, मैं इसे तबर्रुक के तौर पर रखूंगा, हमारा रोना तो इसी पर है, तुझे नबी की सवारी याद रही। सिपाही आगे बढ़े जुलजना को पकड़ने के लिए, इसने 80 सिपाहियों को जख्मी किया, किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, दो लोग आए जख्मी होकर चले गए, पांच लोग आए जख्मी होकर चले गए, जो पकड़ने आता था उसे ये लातें मारकर पैर मारकर जख्मी कर देता था, किसी को करीब नहीं आने देता था। जब बहुत लोगों को जख्मी कर दिया, ये बिफरा हुआ था, ये बेचैन हुआ हुआ था, ये नोहा कर रहा था, तो पिसरे साथ ने कहा पीछे हटो देखो ये करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे दूर हट गए तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया, इसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है। सुनेंगे अज़ादारों रोने आए हैं ना, ये दौड़ा है उस तरफ जहां उतारा था, मगर इसे आने में देर हो चुकी थी, इमाम की रगे काटी जा चुकी, ये इमाम के लाशे के गिर चक्कर काटता रहा, इसने अपनी पेशानी हुसैन के खून से रंगीन की, जमीन करबला पे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। अज़ादारों बहुत गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है, आपने बहुत मुशाहिदा किया है कि बेटियां बाप से बहुत निपटती हैं, मैंने मख्तले करबला में देखा है, जुलजना जब खबर शहादत पहुंचाने खैमेगाह की तरफ गया तो ढूंढ रहा था सकीना कहां है, अजरकमल अल्लाह, ढूंढ रहा था सकीना कहां है, उसी खेमे पर गया जहां सकीना थी, पैर मारकर आवाज निकालने लगा, बीबी समझ गई कि बाबा की सवारी आई है, इंतहाई विकार के साथ खेमे के दरवाजे पर आई, देखा जीन ढलकी हुई है, रकाबें कटी हुई हैं, लगाम जमीन पर खत खींच रही है, समझ गई कि बाबा नहीं आए, बाबा मारे गए। इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा है, मेरी बीबी ने सर पर हाथ रखा, गर्दन पर हाथ रखा और एक सवाल किया, या जवादो अभी हल सुखया अभी अम कुतला शाना, मुझे बस एक बात बता दे, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा, मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए, अजादारो बहुत रो लिए, एक मंजिल और लेने दीजिए, करबला में कौन कितना प्यासा है ये कैसे तय करेंगे कि अली असगर ज्यादा प्यासे थे, हजरत अली अकबर ज्यादा प्यासे थे, कौन सबसे ज्यादा प्यासा था शहीदों में। अजादारो तीन दलीलें दूंगा कि सबसे ज्यादा प्यासा कौन था। पहली दलील तो ये कि सकीना ने बाबा की प्यास का जिक्र किया, ए बाबा के घोड़े बता दे पानी पिलाकर मारा, मेरा बाबा प्यासा बहुत था। दूसरी दलील, जब हजरत अली अकबर से कहा ना कि अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो, तो अली अकबर ने एक लम्हे के लिए जबान मुंह में दी, पीछे हटकर कहा बाबा आपकी जबान में कांटे हैं,
बाबा आप उससे ज्यादा प्यासे हैं। आजादारों तीसरी दलील, जब मेरे मौला सज्जाद अपने बाबा का लाशा दफनाने आए, थकेंगे नहीं अपनी आवाजों को, आपको अल्लाह इसका अजर अता करेगा। मेरे मौला जब बाबा का लाशा दफनाने आए ना, तो बाबा का लाशा, भैया का, अली अकबर का लाशा, हजरत अब्बास का लाशा, गंजे शहीदा, पांच जगह जनाब पांच लाशें दफनाए, सारे शहीदों के लाशें एक जगह, हजरत अब्बास का लाशा नहर के किनारे। और रो रहे हैं तो एक जुमला सुन ले, जब हजरत अब्बास का लाशा उठाने लगे ना, तो लाशा ढलक जाता था, लाशा ढलक जाता था। अल्लाह आपको जनाबे सकीना की कब्र पे ले जाए, जितनी छोटी कब्र सकीना की है, अब्बास की असली कब्र भी इतनी ही है। जिसका कद इतना लंबा था, उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? इतनी तलवारें मारी कि बदन के जोड़ जोड़ अलहदा हो गए। हाँ, चचा का लाशा नहर पे दफनाया, गंजे शहीदा में सारे शहीदों को दफनाया, फिर दो कब्रें बनवाई, एक पाइती की तरफ अली अकबर को लिटाया और सिरहाने की तरफ बाबा को लिटाया। और लिटाने के बाद हजरत अली अकबर से कहा, भैया तुम्हें बाबा का जवार मुबारक हो, तुम्हें बाबा का बाबा की हमराही मुबारक हो। और फिर बाबा की कब्र को बंद कर दिया और अज़ादारों अपनी अंगूठे शहादत से लिखा, सलाम हो इमाम सज्जाद पर। अंगूठे शहादत से ये नहीं लिखा, हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलु मज़लूमा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे मजलूम मारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे गरीब मारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे भूखा मारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे घेर कर मारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे गरीब करके मारा। इमाम ने क्या लिखा, हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलु अतशाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा मारा। मजलिस हो गई अज़ादारों, मजलिस खत्म हो गई। जो मसाइल मैंने पढ़े हैं हरम इमाम हुसैन में एक आलिम ने पढ़े, मजलिस खत्म हुई तो रोते हुए अज़ादार ने हाथ पकड़ लिया, ये तो बताइए अली असगर को कहां दफनाया, अज़रुकमल्लाह, ये तो बताइए हजरत अली असगर को इमाम सज्जाद ने कहां दफनाया। वो आलिम दीन कहने लगे, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा के कहां दफनाया है। चले गए मजलिस से, घर पहुंचे बिस्तरे ख्वाब पर, आंखें बंद हुई, हुसैन नजर आए, का मेरे रोने वालों को बताओ मेरे ज़ैनुल आबदीन ने अली असगर को मेरे सीने पर, मेरा अली असगर मेरे सीने पर। अल्लाह लअनतुल्लाह अला क़ौमि ज़ालिमीन फसयअलमुल्लदीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, या अल्लाह इन्हें कोई गम न दे सिवाय अहले बैत, इनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा हमारी आखरत को बेहतर फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे बच्चों को तालीम व तकवा रोज़गार अता फरमा, हमारी ख़वातीन को इफ़्फ़त व पाकदामनी अता फरमा, हमारे उलमा को तकवा व परहेज़गारी अता फरमा, हमारी कौम को इताअत व फरमाबरदारी अता फरमा, हमारे सुन्नी भाइयों को वतन की मोहब्बत में दरगुजर से काम लेने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन।